दिल्ली हिंसा में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें जीटीबी अस्पताल में आज 4 और लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में जो हिंसा का कारवां है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जो मृतकों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती चला जा रही है। आपको बता दें हेड कांस्टेबल समेत 17 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस वालों समेत हिंसा में 200 लोग लगभग घायल हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 4 जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो दिल्ली में हिंसा से अब तक मरने वालों की संख्या है जो वो बढ़ चुकी है, ये 17 तक पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में CAA और NRC की जो आग है वो लगातार फैलती चली जा रही है। तो वही हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ इस खबर में विस्तृत जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमित, जिस प्रकार से लगातार दिल्ली में CAA और NRC को लेकर हिंसा भड़क रही है, तो वहीं अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 4 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या लगता है कि इससे कुछ घटनाएं कम होंगी? तो आपको बता दें कि दिल्ली में हिंसा से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका जो ये मौत का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और CAA और NRC की जो आग है ये पूरी दिल्ली में इस वक्त लगी हुई है। तो वहीं इस उपद्रव को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 4 जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस प्रकार से चौराहे पे चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर है और पुलिस हर जगह खड़ी है कि ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो उपद्रव ना मचा सके, कोई भी उपद्रव दिल्ली में ना बढ़के। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक 17 तो आपको बता देते, वहीं NSA अजय डोभाल ने भी हिंसाग्रस्त जो एरिया है वहां पर जाकर खुद जांच मुआयना किया था। इसके बाद जो भी आला अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश दिए और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो वही हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ हैं। अमित, जिस प्रकार से लगातार दिल्ली में हिंसा बढ़ती जा रही है और जो मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 4 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि इससे कुछ घटनाओं में अंकुश लगेगा? कि जिस तरह से रात में सेना ने मार्च किया, खुद अजीत डोभाल जो NSA प्रमुख है उन्होंने पुलिस कमिश्नर DC की एडिशनल सी की हर एक साथ बैठक की और बाकायदा दिशा निर्देश दिए। अब जब जिस तरह से सेना मार्च कर रही है उम्मीद है हालात काबू में है और आगे भी काबू में रहेंगे, लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात करें तो आज सुबह भी GTB अस्पताल से 4 और मौतें हुई है। टोटल 17 लोग तक जो है इसमें मारे जा चुके हैं और 44 ऐसे लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी थी। इसके साथ ही 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। देर रात जो है हाई कोर्ट ने सुनवाई करी थी जिसमें साफ तौर पे घायलों को बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करने की बात कही गई थी, घायलों की रिपोर्ट भी मांगी गई थी। आज फिर हाई कोर्ट से रात 2 बजे सुनवाई करेगा जिसमें कि आगे के हालात पे चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज की चाहे गृह मंत्रालय की बैठक थी या दिल्ली CM उस बैठक में खुद अवेलेबल थे, हर पार्टी ने यहाँ पे सभी से शांति की अपील की है। जी अमित, वहीं जिस प्रकार से हमने देखा कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा था उसके बाद तुरंत ही जो सरकार है वो एक्शन में आई, तो क्या कहीं ना कहीं सरकार भी US प्रेसिडेंट की वापसी का इंतजार कर रही थी? देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि दिल्ली पुलिस, हालांकि जो CM का बयान है उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की कमी है और संख्या बल की भी कमी है। कई ऐसे इलाके थे जहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी, चाहे गोकुलपुर की बात करें, मौसम की बात करें, अन्य इलाकों की बात करें, तो जिन गलियों में पुलिस मौजूद नहीं थी वहाँ हिंसा ने ज्यादा भीषण रूप लिया जिस वजह से इतने लोग घायल हुए। हालांकि गृह मंत्रालय की बैठक आज नहीं हुई है, इससे पहले परसों भी गृह मंत्रालय की बैठक हुई थी जिसमें कि खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिल्ली पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं, कल उनसे भी इस बात का जिक्र हुआ था, लेकिन अब वो जा चुके हैं तो जाहिर तौर पर पूरा फोकस जो है वो दिल्ली हिंसा को लेके है कि कैसे प्रदर्शनकारियों को शांत किया जाए। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।